नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बहुत ही बड़े कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो है मैं कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता था। तो ये मेरी बहुत ही सेकंड वीडियो होगी। वैसे इससे पहले मैंने SSR के ऊपर बात कर ली थी, उस टॉपिक में मैंने बात की थी। तो आज बात करते हैं यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शंस वर्सेज यहाँ पे कार्तिक आर्यन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक जो ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा कि वो जो है कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से हटा रहे हैं, वो भी उनके प्रोफेशनल बिहेवियर के कारण। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम आज बहुत सारी चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट मैं बात करूंगा, और क्या हम जो है एक नया सुशांत सिंह राजपूत को हम लोग खोने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी भी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो इस मूवी से बाहर निकालने के बाद कार्तिक को यहाँ पे अक्षय कुमार को साइन कर लिया गया, और ये वही अक्षय कुमार हैं जिनका दो मुहा हमको सामने आया था। दो तरीके के अक्षय कुमार सामने आए थे, जो कि पहले थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के टाइम पे थे, जो कि शांत बैठे हुए थे, कोई भी ट्वीट ना भी कोई भी चीज़ें उन्होंने नहीं की। और दूसरे अक्षय कुमार सामने आए थे जब इनकी मूवी, एक बहुत ही वाहियात मूवी, हिंदू फोबिक मूवी जो आई थी इनकी, वो थी एक लक्ष्मी बॉम्ब करके, बहुत घटिया मूवी थी वो। उनके उसके मोशन के टाइम पे इन लोगों इन्होंने जो था SSR के टाइम पे देखी कि यहाँ पे सिंपति मिल रही है उनके नाम पे, तो इन्होंने बस पेल दिया सिंपति के नाम पे कुछ भी, और उनके लिए एक अच्छे दो शब्द बोले ट्विटर पे, और वहाँ से जो है समझ गए कि पब्लिक जो है वो तो चूतिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्ताना 2 से बाहर निकालने के बाद कार्तिक आर्यन को। तो उन्होंने यही कहा है कार्तिक ने कि मैं कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और ये मेरे करियर के लिए भी आगे सही नहीं रहेगा। तो उनका हल्का फुल्का हम समझ सकते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि जिसने भी इन लोगों से पंगा लिया है तो उनका तो पब्लिक तो सपोर्ट करती नहीं है। और फिर अब यही चीज़ हम लोग बस ये सोच लेते हैं, यही चीज़ हमको बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिली है, और पब्लिक सपोर्ट करेगी नहीं तो फिर कौन कैसे लड़ सकता है इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से। और अब हम लोगों ने कभी ऐसा सपोर्ट दिखाया भी नहीं है किसी भी एक छोटे एक्टर को, क्योंकि हम लोग छोटे एक्टर को नहीं जानते हैं और हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कार्तिक आर्यन के लिए, काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो है उनकी हिंदू होने के कारण उनको मूवी से हटाया गया है उनका। तो मैं आप सभी को इसके पहले एक चीज़ बता दूँ कि इसके पहले कार्तिक आर्यन का नाम जो है रियल नेम कार्तिक तिवारी है, तो उन्होंने इस नाम को चेंज करके कार्तिक आर्यन कर लिया था। तो यूथ सेंसेशन कार्तिक आर्यन को हटा करके इन्होंने एक बुढ़े अक्षय कुमार को साइन कर लिया, जो कि कुल उम्र जिनकी 60 साल है, और ये जो है अक्षय कुमार जो है यहाँ पे कार्तिक आर्यन के डबल एज के हैं। तो फ्रेंड्स, वो तो नहीं हो पाएगा जो कार्तिक आर्यन दे रहे थे अपनी मूवी पे, वो जो एक युवा जोश होता है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे कार्तिक आर्यन के जाने के बाद, तो मूवी तो फिट नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये चीज़ अलग बात है। अब बात आती है यहाँ पे सलमान खान की मूवी के ऊपर, मैं कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यही सलमान खान को हमने पिछले साल जमकर हिट दिया, और इस साल जमकर सपोर्ट दिखा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं उनकी मूवी के ट्रेलर पे उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक हम लोगों का ही पब्लिक का ही बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही ख़राब चीज़ है हमारी तरफ से, कि हम लोग जो है एक वन साइडेड नहीं रह पाते, हम दोनों साइड घुसने की कोशिश करते हैं। अब बात करती है, अब हमारी एक मिस्टेक से क्या SSR की तरह यहाँ पे हम किसी और भी बड़े एक्टर की जान ले लेंगे या फिर छोटे एक्टर की जान ले लेंगे, ये तो हो सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए क्या था कि जैसे कार्तिक आर्यन है, हम लोग उनके लिए चार लोग सपोर्ट में आ गए कि चलो कोई बात नहीं ठीक। अब यही यदि कोई छोटे एक्टर के साथ हो रहा होगा तो वो हम लोगों को नहीं पता है, और वो जो है हमारे ही कारण मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, और काफ़ी सारे लोग तो इसके कारण सुसाइड भी करते हैं, तो ये हमने पिछले साल भी देखा है। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, लास्ट में सोल्यूशन मैं यही बोलूँगा कि सोल्यूशन सिर्फ यही है यार, कि पिछले बार में मैंने यही बोला था कि यार प्लीज़ और प्लीज़ जो आप लोग जाके थोड़ा सा जो है एक उन मूवीज़ को सपोर्ट करो जो मूवीज़ यहाँ पे सच्चे में वो देखने लायक हैं, चाहे वो स्टार किड्स की हो, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, प्लीज़ और प्लीज़ एक थोड़ा सा जो है अपना सही मूवीज़ देखनी शुरू करो, सही गाने सुनने शुरू करो जो सच में क्वालिटी वाले हैं।
और बाकी घटिया गाने तो सभी सुन लेते हैं, टोनी कक्कर के तो सभी सुन लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हम लोगों को जो है एक तरीके से, यहाँ पे मैं आपको कोरोना के लिए बता दूँ तो प्लीज़ यार घर पे रहो और सेफ रहो, मास्क पहनो और बाहर मत निकलो। और फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, IG पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, तो उसके लिए